दिल्ली से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। आतिशी के साथ पांच नेता भी जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नाम जो है वो पक्का है। शाम 4:30 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। कालका जी से पहली बार की विधायक आतिशी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया, खास तौर पर तब जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पार्टी के तीन सबसे बड़े नेता जो हैं वो आबकारी नीति मामले में तिहाड़ में थे, और उस वक्त आतिशी जो हैं वो सरकार भी संभालती हुई नजर आई और पार्टी को लेकर भी लगातार वो मुखरता से बातों को रखती हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की बेहद करीबी कही जाती हैं, और मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली में जो तमाम तब्दीलियां हुई हैं उनमें इनका अहम योगदान माना जाता है। और मुख्यमंत्री के रूप में आज 4:30 बजे दिल्ली में राजभवन में ये शपथ लेंगी। इसके साथ ही साथ जो चार मंत्री हैं वो रिपीट हो रहे हैं, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक नया नाम मुकेश अहलावत जो है उनको शामिल किया गया, दलित चेहरा है पार्टी का। अगले साल चूंकि फरवरी के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी आपको बता दे कि उन पर दाव लगाती हुई नजर आ रही है। आतिशी के नाम का जिस दिन ऐलान हुआ, खुद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया कि वो केवल अगले चुनाव तक के लिए ही मुख्यमंत्री हैं, और वो इस बात को बखूबी समझती हैं कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था और वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और इसको लेकर बीजेपी भी काफ़ी हमलावर नजर आई, और पपेट सीएम, डमी सीएम जैसे तमाम जो उपाधि हैं वो आतिशी को देते हुए बीजेपी के नेता जो है वो नजर आए। लेकिन बाद 4:30 बजे आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी आतिशी। तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी दिल्ली की, इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और आपको बता दूं कि आतिशी अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, और साथ ही साथ पांच मंत्री भी जो हैं वो शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दो, जहां आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है दिल्ली में, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो आतिशी लेंगी। कालका जी से विधायक, आम आदमी पार्टी में जो है शामिल हुई 2013 में जब पार्टी का गठन हुआ, मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी में इनको सदस्य जो है वो बनाया गया। उसके बाद 2015 में आपको बता दें कि ये जो है पार्टी के तमाम जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उनमें सक्रिय रही। शुभ राणा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभ, क्या कुछ इस वक्त जानकारी है? शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किन किन मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, और पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ जानकारी आई है? ये जो चार मंत्री हैं जो पहले भी सरकार में मंत्री रहे, ये पोर्टफोलियो रिटेन करेंगे या इसमें भी बंटवारा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए, आतिशी जो है वो आज 4:30 बजे का समय है जब राजनिवास में वो जाकर शपथ लेंगी। एलजीबी के सक्सेना के सामने उनकी शपथ समारोह होगी, और देखिए कल ही राष्ट्रपति के यहाँ से अप्रूव होकर डॉक्यूमेंट जो है वो राजनिवास भेजा गया था, और फिर जो है डेट्स आई थी सामने, वक्त आया था, क्योंकि उससे पहले शंका थी कि 12 बजे उनकी शपथ समारोह होगी, लेकिन अब फाइनली समय आ गया है, 4:30 बजे का वो समय है जब मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो नए पद की शपथ लेंगी। और देखिए आतिशी पिछले 12 से 13 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। साथ ही बात की जाए तो देखिए पांच और मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, जिसमें चार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज के पास फिर से एक और बात, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है वो भी उनके पास होगा, और देखिए गोपाल राय के पास जो एनवायरमेंट मंत्रालय था वो भी फिर से रिपीट उनके पास होगा। देखिए एक नया चेहरा जो आया है वो मुकेश अहलावत का है, क्योंकि आपको याद होगा जब राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो ऐसे में जो उनका पोर्टफोलियो था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का वो खाली था।
तो अब ये जो मुकेश सहलावत है उनको वो विभाग देने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो प्रमुख तौर से एक दलित चेहरा भी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में जो 5 मंत्री हैं वो रिपीट किए जाएंगे। इमरान हुसैन, जिनके पास पिछली बार फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय था, इस बार भी उनके पास वही होगा। और देखिए आतिशी जो है वो नया चेहरा होगी, 4 से 5 महीने आतिशी के पास जरूर है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री है और देखिए सबसे ज्यादा कम उम्र उनकी है अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी यही दोहरा रही है कि इस बात से कि 4 महीने बाद आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहता है। और देखिए कल भी अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर जनसभा है, कल वो पहली बार जनता की अदालत के बीच में उतरेंगे, तो देखना ये बेहद खास होगा कि आखिर क्या वो कहते हैं। क्योंकि कल भी जब वो प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा विधानसभा में उतरे थे तब भी वो बीजेपी पर हमलावर हुए थे। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत के बीच में जाना खाना है जी। और जिस तरीके से हमने देखा भी आतिशी लगातार जब पार्टी संकट में थी तो वो मुखरता से पार्टी के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई थी, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। दो सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं आपसे पूछूं शुभ, आतिशी के सामने क्या होंगी, तो वो क्या नजर आती हैं इस वक्त? जी देखिए बिल्कुल, आतिशी के पास पहले 13 विभाग थे जिसमें फाइनेंस उनके पास था, शिक्षा मंत्रालय उनके पास था, PWD जैसे बड़े बड़े विभाग जो है वो आतिशी के पास थे। और देखिए जब अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में थे तो जिस तरीके से संकट की घड़ी में आतिशी ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था वो अरविंद केजरीवाल ने बेहद उसकी सराहना भी की थी। आपको याद होगा जब 15 अगस्त पर झंडा फहराने की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में साफ लिखा था कि आतिशी जो है वो उनकी जगह झंडा फहराएंगे, लेकिन फिर LG की तरफ से कैलाश गहलोत का नाम आगे रखा गया था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी दो मुश्किलों की बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है आतिशी के सामने, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि वो महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपए देंगे। तो ऐसे में आतिशी जो है अब जब 27 सितंबर को उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाया है उसमें आतिशी जो है इस अरविंद केजरीवाल की योजना पर मोहर लगाती हुई नजर आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण वो तमाम ऐसे दस्तावेज थे जिन पे वो साइन नहीं कर सकते थे। और देखिए कई ऐसे और विधानसभा का सेशन कॉल आउट नहीं कर सकते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ वो दिल्ली सचिवालय में जाकर मीटिंग नहीं ले सकते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज आतिशी के लिए होगा महिला सम्मान योजना को अप्रूव करवाना और फिर उसको जनता के बीच में ले जाना। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज की बात की जाए आतिशी के लिए तो देखिए आतिशी ने साफ आतिशी पर पार्टी का इंटरनली दबाव भी है और आतिशी खुद भी ये कहती है कि 4 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को दोबारा वापस लाना है। तो ऐसे में जब 4 महीने जी जी बहुत शुक्रिया आपका शुभ हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स